हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपका मोबाइल फोन हीट करता है यानी कि गर्म होता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में, और कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों अगला काम करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना है। कभी भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं ना, तो आपको अपने फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा अपने फोन के साथ वाला ओरिजिनल चार्जर आपको यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं ना अपने फोन को चार्ज करने के लिए, इससे हमारा फोन जो है हीट होता है, गर्म होता है, क्योंकि देखिए दूसरे फोन का जो चार्जर होता है वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, इस कारण फोन हीट होता है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, इससे भी मोबाइल फोन गर्म होता है, हीट होता है, ठीक है ना। इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रोसेस आपको करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फोन में अपडेट आ जाता है हमें पता भी नहीं लगता है। तो अगर मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं होता है ना, तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, देखिए सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस छोटे से पेज में कंटिन्यू पे टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का भी और ध्यान रखना है। आपके फोन की जो ब्राइटनेस होती है ना, इस ब्राइटनेस को कभी भी फुल नहीं रखना है। अगर ब्राइटनेस फुल रखेंगे तो इससे मोबाइल फोन हीट होने लगता है, ठीक है ना। इस ब्राइटनेस को उतना ही रखना है जितनी जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अपने फोन का कैमरा अगर ज्यादा देर तक यूज करते हैं, जैसे कैमरा ओपन करके और वीडियो रिकॉर्डिंग अगर ज्यादा देर तक ही करेंगे ना, एक दो घंटे तीन घंटे तक, तो इससे भी मोबाइल फोन हीट होता है। देखिए अगर आपका मोबाइल फोन का जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट अगर ज्यादा देर तक चालू रह जाती है, इससे भी मोबाइल फोन हीट होता है, ठीक है। और देखिए गर्मियों के सीजन में क्या होता है ना कि हमारा फोन रखे रखे अपने आप ही गर्म होने लगता है, क्योंकि देखिए मोबाइल फोन के चारों ओर का जो एनवायरमेंट होता है उसको गर्म होने के कारण मोबाइल फोन गर्म होता है, ठीक है ना। और सनलाइट, सूरज की रोशनी से भी फोन को बचा के रखना है। और देखिए अगर आप अपने फोन में गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग जो भी होती है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो भी मोबाइल फोन हीट होने लगता है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए अगला प्रोसेस ये करना है कि मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे नीचे आपको सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे ना, इससे आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपका मोबाइल फोन हीट कर रहा है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है।